नमस्कार आज की इस ऑनलाइन क्लास के ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका स्वागत है डियर तो डियर अपन ने इससे पहले साइक्लोस्टोम्स और पेट्रोमाइज़ोन के बारे में डिस्कस किया था और आशा करते हैं कि वो सभी आपके क्लियर हो और आज की स्टडी के अंदर अपन डिस्कस कर रहे हैं डियर प्लेकोडम्स के बारे में के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और प्लेक्डम्स जो होते हैं ये भी बिल्कुल फॉर्म के अंदर पाए जाने वाली विशेष है और इनके लिए कहा जाता है कि ये जो प्लेकोडम्स जो होते हैं इनको अपन फर्स्ट सा वर्टिब्रेट्स भी कहा जाता है इनको भाई ये वर्टिब्रेट्स के प्रथम जीव थे जिनके अंदर जबड़ों का विकास हुआ था और इनके लिए ये भी कहा जाता है कि डियर ये लगभग चार सौ पचास मिलियन ईयर से गो के अंदर मिड uh, सिल्यूरियन पीरियड के अंदर इनका विकास हुआ था और ये कहते हैं कि उस समय पाए जाने वाली जो अदर ऑस्टेकोडम तो थे ये तो समय के साथ क्या हो रहे थे भाई डिसअपियर हो रहे थे ये क्लियर है बट ये जो प्लेकोडम्स जो थे या उनके कंपेरेटिव ये मोर पावरफुलसेंट प्लस जार का क्या हुआ था विकास हो रहा था उसमें क्लियर है तो फर्स्ट जो इनसे पहले जितने भी जो टैक्सोनोमिस्ट जो थे वो ये मानते थे कि ये जो प्लेकोडम्स जो है वो ऑस्ट्रोकोडमी मतलब इवोल्यूशन स्केल के बेस पर इसको जो ऑस्ट्रियो जो जन्मचोट है उनसे लोअर अथवा उनसे नीचे के स्तर के मानते हैं भाई और उनको उस समय में प्लेक्डमी और प्लस आई इन दो क्लासोज इन दो क्लासेस के अंदर इनको शामिल किया गया था पर वर्तमान में इसको करंट uh, सिचुएशन के अंदर इसको सिर्फ एक क्लास प्लेक्डम के अंदर इसको काउंट करते हैं और ये मानते हैं कि डियर ये जो प्लेकोडम तो है वो एस्ट्रोग्रम से काफ़ी हद तक ज़्यादा डिफाइन थी और उनका मतलब उनके जो कंपेरेटिव जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर्स प्लेकोडम के अंदर अच्छे से क्लियर थे और उससे पावरफुल थे और इसने अपने आप को बहुत ज़्यादा लेवल तक अपने आप को प्रोटेक्ट के रूप में अपने आप के अंदर आर्म्ड बॉडी आर्म्ड को डेवलप किया था जो इसके लिए प्रोटेक्शन का काम करते थे और जा की प्रजेंस थी मैन तो ये कुछ कैरेक्टर ऐसे थे जिसकी वजह से इसको ऑस्टेकोडर्मी से ऑस्टेकोडर्गी से, से कंपेरेटिव लैकोडर्मी को ज़्यादा इफेक्टिव मानते हैं क्लियर है बिल्कुल मिला के अपन को ये बताना है कि यहाँ पर जबड़ों का विकास हुआ था और फेंस का विकास हुआ था और उसके साथ साथ इसके अंदर पाए जाने वाले जो हैवी कवच जो है वो इनके अंदर प्रोटेक्टिव के रूप में बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर इनको डिफेंड कर पा पा रहा था तो यहाँ तक आते आते अपन यूँ कह सकते हैं कि ये सभी प्रकार के जो है वो इन्हीं के अंदर अपन इसको काउंट कर पाते हैं और प्लेक्डम जो होता है डियर एक्चुअल में एक ग्रीक वर्ड है जिसके अंदर अपन इसको कहते हैं कि ये जो प्लेक्स का जो मीनिंग जो होता है वो होता है आर्म्ड मतलब भारी कवच है वो बिल्कुल बहुत ज्यादा हैवी था भाई जो इसको ऑस्ट्रेगोडम से अलग करवाने का काम करते हैं नेक्स्ट डियर इसके प्राप्ति के जो ये इंट्रोडक्शन के रूप में है और अब अपन बात करते हैं डियर इनकी प्राप्ति के स्थान भाई ये कहा जाता है कि डी एर ये जो सिल्यूरिन पीरियड जो था उस पीरियड के अंदर प्लेकोडम ने अपने आप को वेल डेवलप वेल डिफाइन किया कर रहे थे लेकिन ये जो डिवोनियन प्लस कार्बोनी फॉरेस्ट जो पीरियड है डिवोनियन और कार्बोनिफेरस ये दो पीरियड ऐसे हैं जहाँ इनको अच्छे से क्लियर कर लेना भाई इसमें कहा जाता है कि डी एर जो ब्लैक जो थे वो सिल्यूरियन पीरियड के अंदर तो सबसे सब पहले प्रकट हुए थे और इन दो पीरियड के अंदर इन इन्होंने सबसे ज़्यादा अपने आप को डिफाइन किया था और ये कहा जाता है कि ये जो आगे चलकर परमियन पीरियड जो थे उस परमियन पीरियड के अंदर इनका भी क्या हो गया था विलुप्त तो हो गए थे ये भी क्लियर और इनके जो जर्नली जो कैरेक्टर्स जो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेस के ऊपर या बॉडी स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर उसके ब्याह पर अपन यूँ कह सकते हैं कि ये जो ऑस्टेगोजम थे वो कहीं ना कहीं एक लेवल के ऊपर प्लेकोडम के पूर्वज माना जा मान सकते हैं इनको लेकिन क्लियरली ऐसा कुछ है नहीं इनके जनरल कैरेक्टर्स के अंदर जो ये बता सके कि ये जो जालेस फिशेज है और ये जो जाड फिशेज़ है उनके अंदर जो कनेक्टिंग लिंक का ऐसा कोई ऑथेंटिक जो रीज़न जो होना चाहिए वो यहाँ हमारे देखने को नहीं मिल पा रहा था इसलिए अपन इसको बिल्कुल क्लेरीफाइज से नहीं कह सकते हैं कि जो है वो प्लेक्डोम्स के पूर्वज हैं लेकिन अपन यूँ मान सकते हैं क्योंकि इससे पहले जो ऑस्ट्रो जो ऑस्ट्रोकोडम जो थे वही इनके डिफाइन होने का एक रीज़न बन सकते हैं क्योंकि उनके अंदर जो बॉडी स्ट्रक्चर जो थी वो लगभग इसके समान तो नहीं थी लेकिन कुछ न हद तक ये अपने आप को ऑस्टोग्राम से मिलता जुलता भाग मानते हैं तो इनके बीच में कभी अपन कनेक्ट को कनेक्टिंग लिंक का काम है? नहीं देखने को मिला और भाई ये भी हमारे को कहीं भी किसी भी प्रकार से जो कनेक्टिंग लिंक का जो फोसिल फॉर्म है वो भी हमारे को कहीं भी देखने को नहीं मिलता है क्लियर है अपन बात करते हैं डियर इसके लिए इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में important features. डियर जो नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये है कि जनरली प्लेक्डम्स के अंदर पाए जाने वाले जो जनरल कैरेक्टर्स है या जनरल फीचर्स हैं वो किस प्रकार के हमारे को देखने को मिल सकते हैं या मिलते हैं भाई अपन को ये भी तो पता है कि ये जो प्लेक्कोडम्स जो है वो भी हमारे को फॉसिल्स रूप में प्राप्त होने वाले फर्स्ट जार्ड फिशेज थी युक्त जीवाश्म के रूप में हमारे को प्राप्त होने वाले जो वर्टिब्रेड्स थे उस कड़ी के अंदर सबसे पहले पाए जाने वाले जीव थे और इनके लिए कहा जाता है कि डियर ये बिल्कुल जो एक्सटर्नल बॉन्नी आर्म्स के साथ जा और फिंस को इन्होंने अपने अंदर डेवलप किया था भाई मैला सबसे पहला है। जिसको अपन बोलते हैं ना हैवी भाई ये जो शरीर के ऊपर पाए जाने वाला जो अस्थिल कवच जो था वो बिल्कुल हैवी था लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने अपने अंदर जाज और फिन जो बहुत ज़्यादा पावरफुल लेवल पर इन्होंने अपने आप को इसको डेवलप किया था और इसके साथ साथ अपन यूँ भी कह सकते हैं कि इन्होंने जो बोनी आर्म्स है या जाज है या पेरड फिंद है ये ऐसे इसके अंदर पाए जाने वाले कैरेक्टर है जो इसके मेन जनरल कैरेक्टर्स के अंदर इसको अपन इन्वॉल्व करते हैं क्लियर है <laughs> तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डीर इसके अंदर पाए जाने वाली जो बोनी आर्म्स भाई ये कहा जाता है कि डियर ये जो प्लेकोडम्स के अंदर पाए जाने वाला जो असल कवच जो है वो अपने डेवलपमेंट के अंदर कुछ विशेष रूप से ही था और ये कहते हैं कि डियर ये जब जब डेवलप हो रहे थे तब ये इनकी जो साइज़ थी लगभग तीन से पाँच सेंटीमीटर मीटर तक थी लेकिन कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जो लगभग अपने आप को जेंट फॉर्म के अंदर और प्री फॉर्म के अंदर तो फॉर्म में जैसे उदाहरण के लिए अगर अपन बात करें फॉर एग्जांपल डिस्टिस जो लगभग दस मीटर तक की साइज़ की देखी गई जा, पाई जाती थी और इनके ऊपर जो कवच जो था वो बिल्कुल भारी था बिल्कुल देते के समान थे और इसके लिए कहा जाता है कि डियर ये लगभग अनावर्त रूप से थे मतलब ये जो डक्ट स्टीलियो स्टीस जो है उसके अंदर जो हेड वाला पोर्शन जो है और ट्रंक वाला पोर्शन जो था वो तो इस भारी कवच के अंदर बिल्कुल प्रोटेक्टिव था लेकिन इसका जो बाकी का जो पोशन था वो बिना कवच के अथवा अनावर्त रूप से माना जाता था और इसके साथ साथ अपन यूँ भी कह सकते हैं ये कि प्लेक्डर्मी का जो नाम है वो इसके अंदर पाया जाने वाला जो आर्म्ड फिश है अथवा इसके लिए प्ले ए, प्लेट स्किंड के रूप में माना गया है क्लियर है? भाई इसका नाम भी इसी के बिहाव पर रखा गया है क्या अपन इसको बोल सकते हैं क्लियर नेक्स्ट है? डियर इसके अंदर पाए जाने वाले जाज भाई जबड़ों के लिए कहा जाता है कि डी एर ये जो जबड़े जो थे वो प्लेक्डम्स के सबसे पहले जबड़े होने जीवों में पाए जाने वाले जबड़े थे और इनका जो विकास था वो मैंडिबुलर आर्क की प्रेजेंस के अंदर माना गया है या इसका डिराइव पार्ट है क्लियर है जो गिल स्लिट जो है उस चीज का एक पार्ट माना गया यहाँ पर और ये जो जबड़े जो थे वो इनसे पहले जो ऑस्टोगोजम जो थे उनसे कम्पेरेटिव बहुत ज़्यादा लेवल पर डिफाइन थे क्योंकि जो ऑस्टोगोजम जो थे उनके अंदर किसी भी प्रकार से वो जालेस थे और इनके अंदर जा का डेवलप हुआ हुआ है और ये जो ऑस्टेगोजम से अधिक विकसित माने गए हैं और इसके साथ साथ ये कहा जाता है कि इसकी प्रेजेंस के आधार पर इन्होंने अपने आप को सर्वाइव करने के साथ साथ किसी दूसरे प्रकार के हैबिटार्ट के अंदर माइग्रेट होने के लिए या अपने आप को किसी दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए भी अच्छे से इसने अपने आप को डिफाइन किया था क्लियर है और ये जो डिफाइन जो था वो इसके लिए बोजन फूड पार्टिकल्स के लिए भी मान सकते हैं अपन क्लियर है और इसके साथ साथ अपन यूं भी कह सकते हैं कि ये जो भाई जो ये भारी जो कवच है उस कवच के अलावा ये अपने आप को अधिक विकसित करने के लिए भी इसने अपने आप को सक्षम अथवा कैपेबल बना रखा था नेक्स्ट डियर इसके अंदर पाए जाने वाले पेरड फेंस भाई फिन्स जो है वो यहाँ पर युग्मित पंख के रूप में है और ये कहा जाता है कि ये अधिकतम प्लेकोडम्स के अंदर युग्मित पंख होते थे और जो इसके डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़रूरी कैरेक्टरों में से एक माना गया है जो इसको वेल डेवलप्ड कैटेगरी के लिए इसको डिफाइन करवा पाता है तो और इसके साथ कहा जाता है कि ये अपने आप को और अधिक जो एक्वाटिक एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को आसानी से मूव करवा सके अपने आप को बैलेंस करवा सके अपने आप को रोल करवा सके उसके लिए इसने अपने आप को कवर करके रखा था या इसी के बेस के ऊपर इन्होंने अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं ये आ गया तो ये फिंस की प्रेजेंस है जो पेरेड रूप में है और प्रोटेक्टिव भी है इसके लिए स्विम के लिए तो है ही और बिल्कुल शरीर को बिल्कुल सदृढ़ बनाने का भी काम करता है यहाँ पर ये <coughs> नेक्स्ट डर इसके अंदर पाया जाने वाला जो क्लासिफिकेशन जो है भाई क्लासीफिकेशन के लिए कहा जाता है कि ये जो क्लासिफिकेशन है इसके अंदर दो ही ऑर्डरस को इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है और क्लासिफिकेशन का जो बेस है वो इसके अंदर पाए जाने वाले जो हैचुअल कैरेक्टर्स के बिहाव पर है जिसके बेस पर इसको आरथ्रो फॉर्मेस और एंटी आर्क की फॉर्मेस के अंदर इसको डिवाइड किया गया है भाई इसके जो ऑर्डर है क्लासिफिकेशन के रूप में अपन इसकी दो ही ऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं फर्स्ट है और इसके जो एग्जांपल है डक और इसके अलावा जो एंटीआर की फॉर्मेस का जो एग्जाम्पल है वो है टेरी थीज क्लियर है ये दो इसके ऑर्डर है भाई डियर और ये दो ऑर्डरों के उनके उदाहरण हैं अब देखते हैं डियर इसका बायोलॉजिकली जो इम्पोर्टेंस चीज़ जो है वो एक्चुअल में क्या मानी गई है क्लियर है भाई इसके लिए कुछ अलग अलग मत दे रखे हैं डियर कि प्लेकोडम्स के जो पाए जाने वाले जो कैरेक्टर्स हैं वो किस प्रकार से अदर क्लासेस के कंपेरेटिव अपने आप को डिफाइन करवा पाते हैं भाई ये कहा जाता है कि ये जो सिल्यन पीरियड के अंदर जब ये अपने आप को डिफाइन कर रहे थे मतलब जब ये प्रकट हुए थे और इन्होंने जब अपने आप को डिवोनियन पीरियड के अंदर और डिवोनियन के साथ साथ जो कार्बनी फॉरेस्ट जो पीरियड था उस पीरियड के अंदर उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा लेवल पर अपने आप को डेवलप किया था और समय के साथ साथ इनके अंदर भी कुछ ऐसे जनरल कैरेक्टर्स जो थे जो इसके डेवलपमेंट के अंदर कहीं ना कहीं एक इनहबिट करवाने का इसको काम कर रहे थे जिसकी वजह से ये समय के साथ अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने अपने आप में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को अडॉप्ट नहीं कर पाए जिसकी वजह से याज हमारे को फॉसिल्स रूप में प्राप्त होते हैं और ये कहा जाता है कि डियर ये जो ऑस्टेकोडम जो थे उस एक्स्ट्रो ऑस्टेकोड्रम से ही इनका कहीं ना कहीं इसका विकास माना गया है या यूँ कह सकते हैं कि जो ऑस्टेकोड्रम्स होते हैं वो प्लेकोड्रम्स के पुरुज माने गए हैं और ऑस्टेकोड्रम के अंदर पाए जाने वाली जो फिशेज थी उन्होंने एक अपने अंदर कंपेरेटिव जो कुछ जनरल कैरेक्टर्स थे उन कैरेक्टर्स के अंदर अपने आप को डिफाइन किया था और बॉन् आर्म्स को डेवलप किया था और जा को डेवलप किया था और यूँ कह सकते हैं कि ये जो फ्यूचर के अंदर जितने भी प्रकार के जो वर्टिब्रेट्स के रूप में अपन जितने भी जीवों को देखते हैं वो कहीं कही ना कहीं उनके अंदर जो दांतों जो जहाज को जो डेवलपमेंट जो है या जो एवोल्यूशनी जो जहाज जो है वो अपन को इसके अंदर स्टडी करने के लिए आसानी से एक पैटर्न के रूप में हमारे को वर्टिब्रेट्स का एक फॉसिल प्राप्त हो सकता है तो ये डियर हमारा प्लेकोडमी पिसिस के अंदर आ, सबसे इम्पोर्टेंट प्लेकोडम्स प्लेकोडामी को माना गया है लेकिन ये बिल्कुल एक्सनेक फॉर्म में है। विलुप्त हो चुके हैं आज ये हमारे को बिल्कुल फॉसिल्स रूप में भी प्राप्त होते हैं और ये कहा जाता है कि ये फर्स्ट जबड़े युक्त वर्टिब्रेट्स थे 450 मिलियन वर्ष पहले या पैंतालीस करोड़ वर्ष पूर्व इनको मिड सिलोरियन पीरियड के अंदर इनका विकास हुआ था और बिल्कुल उस समय ऑस्ट्रेगोजर्मी जो थे वो बिल्कुल डिसअपेल हो रहे थे लेकिन ये उसके कंपेरेटिव पावरफुल एफिशिएंट और जाफिश ने इनको अपन विकास हुआ था और एवोल्यूशन स्केल के बेस पर कई जो टेक्सोनिस्ट जो थे वो ऑस्ट्रोडोमिक से, से नीचे मानते थे और इसके उस समय इसको प्लेकोडर्मी और एकेथो डीआई के क्लास के रूप में डिफाइन करते थे पहले तो भी इसको एक ही क्लास के रूप में डिफाइन कर पाते थे लेकिन आज इसको दो के अंदर है और बॉनी आर्म्ड और जो हैवी कावच के रूप में था और डिवोनियन और कार्बनी फॉरेस्ट पीरियड जो था वो इसके लिए सबसे उचित समय था जिस समय उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा लेवल पर अपने आप को विकसित किया था क्लियर है लेकिन परमियन पीरियड के आते आते ये भी बिल्कुल क्या हो गए थे विलुप्त हो गए थे और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में बात करें या फीचर्स के बारे में बात करें तो एक्सटर्नल बॉनी आर्म्ड है और जा है और पेरड फिंस है और क्लासिफिकेशन के अंदर डियर इसकी दो ही ऑर्डर है आर्थो सॉरी आर्थ्रो डेरी और एन आर की फॉर्मेज ठीक है तो ये था डियर अपना प्लेकोडम बिल्कुल छोटा टॉपिक है और एग्जाम के अंदर शॉर्ट नोट के रूप में इसके क्वेश्चन पुटे पहुंच सकते हैं तो इसको थोड़ा सा इसके जनरल कैरेक्टर्स और इसके फीचर्स के बारे में देख लेना ठीक है और भी आपके कंपेरेटिव इसके कुछ डाउट्स हो तो आप अपने महाविद्यालय के जो ग्रुप जो बना हुआ है उसके अंदर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं ओके थैंक यू डियर्स